वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गाड़ी गुरुजी में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्टेड इसलिए क्योंकि सेम कमेंट बहुत बार आया मेरे पास और मैंने सेंट्रल लॉगिंग की बहुत सारी वीडियो बनाई है तो उसमें मुझे एक कॉमन सा क्वेश्चन मिलता है, वो है कि इंडिकेटर फ्लैश प्रॉब्लम, यानी आप लोगों की गाड़ी का जो इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है उसका सोल्यूशन दीजिए। तो सोल्यूशन बहुत ईजी है लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको देखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि आपकी गाड़ी में निपॉन की सेंट्रल लॉकिंग होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी गाड़ी मारुति की होनी चाहिए या फिर आपकी गाड़ी में जो पहले सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई है वो होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस आप पर वर्क करेगा, यानी कुल मिलाकर आपकी गाड़ी में अदर सेंट्रल लॉकिंग है यानी मारुति के अलावा जो जेन्यून सेंट्रल लॉकिंग नहीं है उस पर ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए कि 2013 से पहले वाली कारों पर ये प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है, 2013 के बाद जितनी भी गाड़ी आई है मार्केट में उस पर ये प्रोसेस वर्क करेगा। तो आपको पता चल गया होगा किस गाड़ी पे प्रोसेस वर्क करेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार ये क्वेश्चन मत करना सर मेरी गाड़ी पे वर्क नहीं करा। तो आप देख लेना आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है और आपकी गाड़ी मेरी मैंने जो कंडीशन बताई उसके अंदर आती है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मैं ये सारा प्रोसेस अपनी गाड़ी पे बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, 2 मिनट का प्रोसेस है, जो कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिर्फ कोडिंग का काम है, थोड़ी सी कोडिंग करनी है। और मेरी गाड़ी के इंडिकेटर फ्लैश नहीं कर रहे हैं, फ्लैशिंग प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। रिसेट करना है और रिसेट के साथ साथ पेयर भी करना पड़ेगा, तो आपको रिसेट और पेयरिंग दोनों मिल जाएगी इसी वीडियो में। तो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और करते हैं उसको पेयर और रिसेट। चलिए दोस्तों जो इंडिकेटर फ्लैश प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है पहले देख लीजिए, आपको अपनी गाड़ी का डोर खोलना है। और कैमरे के लिए मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो खुद से ही मैं शूटिंग कर रहा हूँ, खुद को कैमरा पकड़ रखा है तो अगर थोड़ा बहुत कैमरा डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो आपको डोर खोलने के बाद क्या करना है, आपको इग्निशन ऑन करना है अपना एक बार, ठीक है। इग्निशन ऑन हो गया गाड़ी का, ठीक है, उसको बंद कर देना है। अब डोर को कर देना है क्लोज। अब नीचे आ जाइए, देखिए डोर क्लोज होने के बाद मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ दोस्तों। डोर क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है, ये अलार्म वाला बटन है और ये आपका चाबी है, की है, इग्निशन ऑफ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर हाथ रखना है, दबाना नहीं है भी, पुश नहीं करना, और इग्निशन को एक बार ऑन करना है, इसको एक बार पुश करना है, फिर इग्निशन बंद कर देना है। 6 टाइम तक यही प्रोसेस होगा। चलिए करते हैं दूसरी टाइम, फिर हमने इसको ऑन किया, फिर हमने पुश किया, फिर बंद कर दिया। 2, 3, 4, 5, 6 और निकाल देना है, ठीक है। अब जो आपकी इंडिकेटर फ्लैशिंग प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुकी है। आपने देखा कि कैसे आप अपने इंडिकेटर फ्लैश प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी गाड़ी का इंडिकेटर फ्लैश नहीं कर रहा था लेकिन प्रोसेस सेम है, आप इस प्रोसेस को अपनाकर ये अपना फ्लैशिंग वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो रिमोट वर्क नहीं करता और होता ये कि आपको पेयर करने की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको पेयरिंग बता देता हूँ कैसे पेयरिंग करते हैं। कभी आपकी पेयरिंग ख़राब हो जाए और आप मुझसे कहें कि सर हमारा रिमोट ही वर्क करना बंद कर दिया है, और एक्चुअली इस वीडियो को मैं ट्राईपॉड पर नहीं बना सकता, ट्राईपॉड मैंने वहाँ पर रख दिया है क्योंकि बहुत जल्दी होता है प्रोसेस और अगर मैं लेट करूँगा तो प्रोसेस सही से नहीं होगा। तो चलिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सर प्रोसेस नहीं हो रहा, वो इसलिए होता है क्योंकि आप धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं और जब धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस की कोडिंग डिले हो जाती है और वो सही से नहीं हो पाती। तो चलिए हम करते हैं इस की पेयरिंग। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी गाड़ी का डोर को ये खोलना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एक बार इग्निशन ऑन करना है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद लेट करोगे तो होगा नहीं। इग्निशन ऑन करने के बाद आपको ऑफ कर देना है, फिर आपको यहाँ पर 3 बार टैप करना है इस जगह, 1, 2, 3। उसके बाद आपको इग्निशन फिर से लगाना है और इग्निशन लगाने के बाद आपको एक बार ऑन करना, उसके बाद ऑफ कर देना। देखिए आप यहाँ देखिए कि इग्निशन ऑन ऑफ करने के बाद ये स्विच एक बार ऑन ऑफ हुआ, इसका मतलब ये है कि कोडिंग हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, आपको एक बार लॉक वाला बटन फिर से प्रेस करना है, बस ये आपकी होगी कोडिंग और आपकी जो सेंट्रल लॉकिंग वो होगी मैच। यही प्रोसेस होता है मारुति का, निपॉन का। अब आप इसको लॉक या अनलॉक
कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कोडिंग होती हैं, कभी कभी हो जाता है कि आपकी जो सेंट्रल लॉकिंग है वो रिसेट होते होते कभी कभी नहीं होती, डिले हो जाती है। तो दो तीन बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी सेंट्रल लॉकिंग मैच हो जाएगी, और जो रिसेट वाला मैंने फंक्शन बताया वो भी आपका सही से करोगे तो वर्क करेगा, और 100% करेगा वर्क अगर जो जो मैंने कंडीशन बताई उस पर आपकी गाड़ी आती है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।